आयरनी। आयरनी के दो मतलब होते हैं। पहला विडंबना, साधारण शब्दों में हम किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं और हो कुछ बिल्कुल उल्टा रहा है तो उसे विडंबना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, पूरे साल मेहनत की कि उसे प्रमोशन मिलेगा आखिर में, बट कंपनी की हालत कुछ खराब हो जाती है और उस बंदे को जॉब से ही निकाल दिया जाता है, तो ये उसके लिए विडंबना है। या कह ले कि शहर में बहुत सारी चोरियां होनी शुरू हो जाती हैं और जो पहली चोरी होती है वो पुलिस स्टेशन में ही हो गई, तो ये भी विडंबना है। आयरनी का दूसरा मतलब होता है व्यंग करने वाला भाव या किसी का मजाक उड़ाने वाला भाव। जैसे कि आप कह रहे हो कि हमारे MLA साहब तो बहुत मेहनती हैं, जबकि आपके कहने का भाव ये है कि वो मेहनत तो बस इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के प्रचार में करते हैं, बाकी उसके बाद तो वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसी आपकी सोच है। पर आप कह रहे हैं कि हमारे MLA साहब तो बहुत मेहनती हैं, तो आप एक व्यंग कर रहे हैं, इसे भी आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल्स, आयरनी वॉज दैट ही बिकेम एडुकेशन मिनिस्टर हैविंग लेफ्ट स्कूल एट 12। विडंबना ये थी कि वो शिक्षा मंत्री बन गया जबकि वो 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ चुका था। इट इज वन ऑफ द आयरनीज ऑफ लाइफ दैट बाय द टाइम यू हैव अर्न एनफ मनी यू नो लॉन्गर हैव द एनर्जी टू यूज इट। मतलब कि जिंदगी की एक विडंबना में से ये भी है कि जब तक आप बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं आप में उस पैसे को यूज करने की एनर्जी नहीं बचती। देयर वॉज अ टच ऑफ आयरनी इन हर वॉइस व्हेन शी सेड शी एंजॉयड, यानी कि वो कह तो रही है कि उसने एंजॉय किया पर उसने एंजॉय किया नहीं है, लेकिन उसके कहने में वो टोन है, उसकी बात में वो टोन है कि उसने एंजॉय किया नहीं है, बस वो कह रही है, तो इसे कहते हैं टच ऑफ आयरनी। तो आयरनी का मतलब हो गया विडंबना या व्यंग का भाव।